जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था एनिमे वर्ल्ड हिंदी, उसका तीसरा ही वीडियो था ये वाला वीडियो, फोर अनसॉल्व मिस्ट्री ऑफ शिनचैन। तो ये वीडियो हो चुका था वायरल और इसमें मेरे को कई सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि शिनचैन में जो लेमन दिखाई गई है वो टामी को नहीं है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि लेमन ही टामी को है। पर ऐसा क्यों कह रहे हैं मुझको अब तक नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने उस वीडियो में ये प्रूफ कर दिया था कि लेमन ही टामिको है। मुझे कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि लेमन इज नॉट टामिको। एक बंदे ने तो ऐसा कमेंट कर दिया था कि आपका वीडियो देखते वक्त तो मुझे लग रहा था कि लेमन टामिको है, पर हकीकत में वो टामिको नहीं है। आखिर ये कैसा कमेंट है, मुझको तो कुछ समझा नहीं। इसी कमेंट के चलते मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक और वीडियो बना दिया जाए। तो सबसे पहले मैं इन दोनों मूवीज, शिनचैन मूवी विलन और दुल्हन और शिनचैन मूवी स्पाई, इन दोनों मूवीज के अंदर जितने भी कंफ्यूजन से उन सबको बोलूंगा, उसके बाद उन सबको मैं क्लियर भी करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो करो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर देना ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, शिनचैन मूवी विलन और दुल्हन 2010 को रिलीज हुआ था और शिनचैन मूवी स्पाई 2011 को रिलीज हुआ था। अगर सबसे पहले कंफ्यूजन की बात करूं, शिनचैन मूवी स्पाई में शिनचैन ने जब लेमन का रियल नाम सुना था तो उतना ज्यादा इमोशनल शॉक कैसे हो गया था। नंबर टू, क्या लेमन ही टामिको है। नंबर थ्री, लेमन 2 साल शिनचैन से बड़ी है तो उसकी शादी फ्यूचर में टामिको से कैसी होगी अगर लेमन ही टामिको है तो। नंबर फोर, शिनचैन मूवी स्पाइक के एंड में लेमन ने अपना रियल लुक शिनचैन को दिखा दिया था, जिसमें कि हम देख सकते हैं लेमन की आंखें ब्लू है और उसका हेयर येलो है, पर टामिको का बिल्कुल अपोजिट है, उसके आई ब्लैक है और बाल ब्राउन है। नंबर फाइव, जब टामिको पास्ट में आई थी शिनचैन को लेने तो वो कंफ्यूजन क्यों हो गई थी कजामा और शिनचैन के बीच में, बल्कि उसने तो बचपन में सबको देख चुका था शिनचैन मूवी स्पाई के अंदर। तो ये थे कुछ ऐसे कंफ्यूजन जो कि इन दोनों मूवीज के अंदर बहुत ज्यादा है। अगर मैंने कुछ भी मिस कर दिया हो तो मुझे माफ कर देना। तो इन कंफ्यूजन के अंदर एक सवाल ऐसा भी है जो सबके मुंह पे घूमता रहता है कि लेमन ही टामिको है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रूफ दिखाने वाला हूँ जिससे लेमन टामिको है ये प्रूफ भी हो सकता है और ये फेल भी हो सकता है कि लेमन टामिको नहीं है। तो सबसे पहले कुछ ऐसे प्रूफ दिखाना चाहता हूँ जिससे ये कंफर्म होता है कि लेमन ही टामिको है। नंबर वन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेमन और टामिको के बॉडी स्ट्रक्चर तो सेम है, उनके बालों का स्टाइल भी सेम है, बस डिफरेंस ये है कि उनकी आंखों का कलर अलग है और बालों के कलर अलग है। अगर आप शिनचैन मूवी स्पाई थोड़ा ध्यान से देखे रहोगे तो लेमन की आंखें, पहले जब स्टार्टिंग में हमें लेमन को दिखाया गया था उसकी आंखें ग्रीन होती है और उसके बाल ब्राउन होते हैं, लाइट ब्राउन होते हैं। तो ये कैसे मान ले कि लेमन ने अपने लास्ट अपीयरेंस में उसने अपना शिनचैन को रियल लुक ही दिखाया हो, ये तो कंफर्म नहीं हो ना, क्योंकि लेमन एक स्पाई है जो कि अपना रूप भेष हमेशा बदलती रहती है। तो ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप दोनों के डैड को देखोगे तो दोनों के डैड भी बिल्कुल सिमिलर है, दोनों के फेस स्ट्रक्चर भी सेम है और दोनों जाड़े भी है, दोनों मोटे भी है, तो इससे भी कंफर्म होता है कि लेमन ही टामिको है। अब अगला पॉइंट, शिनचैन विलन और दुल्हन पहले रिलीज हुई थी जिससे शिनचैन को ये तो पता चल गया था उसकी फ्यूचर वाइफ कौन है और उसका रियल नाम कौन है, उसका रियल नाम क्या है। तो जब उसके बाद 2011 में शिनचैन मूवी स्पाई आई थी, उसके एंड में शिनचैन ने, मतलब लेमन ने जब अपना रियल नाम शिनचैन को बताया था, जिस वजह से शिनचैन जरा इमोशनल हो गया था क्योंकि उसे पता था ये टामिको है, जिस वजह से वो थोड़ा इमोशनल हो गया था। ये तीन ऐसे पॉइंट है जिससे ये तो कन्फर्म होते है कि लेमन ही टामिको है। अब मैं तीन ऐसे पॉइंट भी बताऊंगा जिससे ये कंफर्म नहीं भी होते हैं, जिससे ये कंफर्म होता है कि लेमन टामिको नहीं है। नंबर वन, अगर लेमन शिनचैन को बचपन से जानती है तो फ्यूचर में वो शिनचैन और कजामा के बीच में कंफ्यूज कैसे हो गई। तो इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है जो आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर टू, भले ही दोनों के डैड सेम दिखते हैं, सेम साइज के हैं, पर दोनों का बिहेवियर एकदम अपोजिट है, जहाँ पे लेमन के डैड बहुत ही शांत और अच्छे इंसान है और वहीं पे टामिको के डैड बहुत ही ज्यादा खड़ूस और बुरे इंसान है। और लास्ट नंबर थ्री, अगर लेमन ही टामिको है तो उसने लेमन के फॉर्म में शिनचैन के मॉम को कई बार देखा है शिनचैन मूवी स्पाई के अंदर, पर हमें शिनचैन मूवी विलन और दुल्हन के अंदर ये दिखाया गया है कि टामिको शिनचैन को बोलता है मैंने तुम्हारे मॉम को फोटो में देखा है। तो इन तीनों पॉइंट से ये कंफर्म होता है
कि लेमन टैमी को नहीं है। अब लेमन टैमी को है या नहीं ये मैं आप सभी पे छोड़ता हूँ, क्योंकि अब तक शिनचैन के राइटर्स ने कुछ नहीं बताया है तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि लेमन टैमी को है या नहीं। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हो और आपको मजा आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर कर दो। और अब हम बाकी चार कंफ्यूजन से भी उन सबका पर्दा हटाएंगे जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था। शिनचैन लेमन का रियल नाम सुन के क्यों इमोशनल हो गई? अब मेरे को ये लगता है कि लेमन ही टैमी को है, जिस वजह से शिनचैन ने लेमन का रियल नाम सुनने के बाद इतना ज्यादा इमोशनल हो चुका है। और एक सवाल जो कि मेरे से हर कोई कमेंट में ये पूछता है, लेमन 2 साल बड़ी है तो वो शिनचैन के साथ कैसे शादी कर सकती है? अगर आपने शिनचैन मूवी विलन और दुल्हन अच्छे से देखा है तो उसमें हमें ये नहीं दिखाया गया था कि लेमन कितने साल की है और शिनचैन कितने साल का है। और बात यहाँ की कि लेमन 2 साल शिनचैन से बड़ी है तो उसमें कुछ नहीं होता, आजकल के टाइम में सब चलता है, लड़की बड़े हो जाए तो भी चलती है, लड़की छोटी रहेगी तो भी चलती है, शादी होती है, ये मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ। और मुझसे बाद में कोई ये ना बोलना कि लेमन 2 साल बड़ी है तो शिनचैन के साथ शादी क्यों होगी। और अगले में बात करें तो दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है, जिस वजह से ये भी कंफर्म होता है कि ये दोनों मतलब लेमन ही टैमी को है। और यही रही आखिरी पॉइंट की कि टैमी को कजामा और शिनचैन के बीच में क्यों कंफ्यूज हो गई थी, तो इससे रिलेटेड मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है, आपको एंड स्क्रीन में आई बटन में डिस्क्रिप्शन में हर जगह मिल जाएगा, चाहे तो मेरे चैनल पर विजिट करके भी आपको मिल जाएगा वीडियो, आप देख सकते हो। तो इसी वीडियो को आज हम यहीं पे एंड करते हैं और मैं जानता हूँ वीडियो बहुत ही लेट आया है, मेरे कुछ पर्सनल रीजन थे वीडियो लेट आने के। तो वीडियो को एंड करते करते एक आने वाले वीडियो का हिंट मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपने शिनचैन मूवी हिमामारी बनेगी राजकुमारी देखा हुआ है तो उसमें हमें एंड में ये दिखाया जाता है, जो हिमा ग्रह का जो राजा रहता है उसने शिनचैन को बोला था कि तुम अगर बड़े हो जाओगे तो तुमको एक मैं गिफ्ट दूंगा। और यहीं पे हमें शिनचैन विलन और दुल्हन में दिखाया जाता है कि शिनचैन एक्शन कामिन है।